डिफरेंट कंपनियों के पैनल्स होते हैं, टीयर वन पैनल होना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये ए ग्रेड पैनल है और टीयर वन है, शुमार किया जाता है। चेक कैसे किया जाएगा कि टीयर वन? लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, इनवरेक्स, ये कंपनियां टीयर वन के अंदर आती हैं। ये टीयर वन पैनल है, ठीक है। ये एन टाइप है या पी टाइप है? ये पी टाइप पैनल अब नहीं आ रहा, ये जो लाइन्स है ना इनको बस बार बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी तादाद है 16, पहले जो पी टाइप पैनल है उनकी तादाद 9 से लेकर 11 तक थी। जितना अच्छा एंगल इसका सूरज की तरफ होगा उतनी इसकी प्रोडक्शन जो है ना ज्यादा अच्छी होगी। 2.5 लाख में इनमें फर्क क्या? तो ये इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स होते हैं, इसके अंदर ये हाइब्रिड काम करते हैं, इसमें विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों, और जो और ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो वाबडा को गिव एंड टेक करता है, हाइब्रिड के अंदर भी ये फीचर मौजूद होता है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि मतलब कि जिस टाइम लाइट जाती है तो वहाँ पे बैटरी मौजूद होती है जिससे ये इन्वर्टर बिजली बनाता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। 2.5 लाख में 3 kV का सिस्टम लगा दूंगा, ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब 1.5 से 2.5 लाख में 3 kV का सिस्टम लग जाएगा, और इसमें आपका एक AC, एक आध TV, पंखा, लाइट चलेगी। बड़े अच्छे अंदाज में सोलर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और सारा दिन जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका 0 बिल होगा। जो लोग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर उठाएँ, क्योंकि बिजली आपके सामने आ नहीं रही और जहाँ पे आ रही है उसके बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये हमारे पास पैनल्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट कंपनियों के पैनल्स होते हैं, इसमें टीयर वन पैनल होना चाहिए। क्लाइंट को लेने से पहले ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये ए ग्रेड पैनल है और टीयर वन है। टीयर वन एक कह लें कि वो स्टैंडर्ड है, जो कंपनी उस स्टैंडर्ड को मीट करती है उसको टीयर वन में शुमार किया जाता है। चेक कैसे किया जाएगा कि टीयर वन? सर वो ब्लूमबर्ग की रेटिंग से आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी। मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए नाम ले लेता हूँ, लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, इनवरेक्स, ये कंपनियां टीयर वन के टीयर वन है, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ए ग्रेड। अब ये टीयर वन है, ये टीयर वन पैनल है, ठीक है। ये एन टाइप है या पी टाइप है? ये पी टाइप पैनल अब नहीं आ रहा, अब एन टाइप होता क्या? पी टाइप इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी उसकी बस बार कम थी, अब ये एन टाइप पैनल है इसके बस बार ज्यादा है। लाइक ये जो लाइन्स है ना इनको बस बार बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी तादाद है 16, पहले जो पी टाइप पैनल है उनकी तादाद 9 से लेकर 11 तक थी, उनके अंदर करंट का फ्लो को इंक्रीज किया कम था, इसके अंदर अब करंट का फ्लो तेज हो गया है, फ्लो ज्यादा एफिशिएंसी से फ्लो कर रहा है। और ये मैं देख रहा हूं कि ये शायद दोनों तरफ से जी इसको कहते हैं बायफेशियल पैनल। अच्छा ठीक, बायफेशियल पैनल जो है ना वो दोनों टाइप दोनों तरफ से ग्लास होता है। उसका फायदा ये होता है कि जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है वो इस साइड से भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो बैक साइड पे डार्कनेस नहीं होती, जब दिन चढ़ा होता है पीछे भी रोशनी होती है, उससे इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में बूस्ट मिलता है, तो एक सॉर्ट ऑफ इसकी हेल्प हो जाती है, पुश मिलता है, जिससे ये और भी ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी तरीके से। इससे ये भी फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत से लोगों ने फिक्स्ड लगवाया होता है और सूरज सारा दिन घूम रहा होता है तो वो हर तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। जी नहीं, फिक्स जो होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर लगता ही फिक्स है। हाँ। फार्मर्स वगैरह ने यहाँ पे लगवाए हुए घुमाने के लिए क्योंकि उन्होंने पूरा उससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है डेफिनेटली, मतलब कि सूरज की तरफ इसका मुंह होगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितना अच्छा एंगल इसका सूरज की तरफ होगा उतनी इसकी प्रोडक्शन जो है ना ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब पहले हम देखते थे कि एक पैनल आता है जिसके आगे तो ग्लास होता है लेकिन पीछे एक व्हाइट शीट लगी होती थी, अब वो नहीं आ रहे, उसको मोनोफिशियल बोलते हैं, वो सिंगल ग्लास, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी कम होती है, उसकी एफिशिएंसी इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। लेकिन मतलब कि वो एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रहा था, वो इतने ही वाट का होता है, इतने ही वाट का होता है, यानी कि ये एडवांस होगा, ये एडवांस है, ठीक है। और ये साथ वो पड़े हुए आपके इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, इन्वर्टर्स में कुछ लोग पाकिस्तानी निकाले हुए और वो कह रहे हैं वो बड़े सस्ते होते हैं, 30,000 रुपये में भी आपको इन्वर्टर लग जाता है, लेकिन बहुत से इन्वर्टर हैं जो 2.5-2.5 लाख में, इनमें फर्क क्या है? पाकिस्तानी इन्वर्टर काम का है या नहीं है? पाकिस्तानी इन्वर्टर्स आप लोगों ने बनाना शुरू किए हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाईटेक में आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी जिसमें एडवांसमेंट डेवलपमेंट होती है, तो ये इंपोर्टेड इन्वर्टर्स होते हैं, इसके अंदर ये हाइब्रिड काम करते हैं, इसमें विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों सूरत। हाइब्रिड का क्या सिस्टम है और इनमें से बेहतर कौन सा? हाइब्रिड बेहतर है या जो सर? 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, एक होते हैं ऑफ ग्रिड, एक होते हैं ऑन ग्रिड, और तीसरी टाइप है हाइब्रिड, ठीक है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वो होता है जो रिमोट एरियाज में जहाँ पे ग्रिड नहीं होता तो वो ऑफ ग्रिड भी काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड जहाँ पे हमारा ग्रिड भी होता है और हम बैटरियाँ भी साथ में अटैच कर लेते हैं कि जब ग्रिड ऑफ है उस टाइम पे हमें इन्वर्टर हमारा ऑफ ना हो, एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे, बैटरी काम करता रहे, वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो वाबडा को गिव एंड टेक करता है, ठीक है, ग्रीन मीटर के थ्रू। ग्रीन मीटर के थ्रू उसमें ये होता है कि जब ग्रिड ऑन है तो ग्रिड इन्वर्टर ऑन है, ग्रिड ऑफ होता है, शट डाउन होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, चूंकि हमारे मुल्क में तो जाती बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ऑन ग्रिड की बजाय लोग हाइब्रिड लगाते हैं। हाइब्रिड के अंदर भी ये फीचर मौजूद होता है
कि वो एनर्जी वापस भेज सकता है, एनर्जी वापस भेज सकता है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि मतलब कि जिस टाइम लाइट जाती है तो वहाँ पे बैटरी मौजूद होती है जिससे ये इन्वर्टर बिजली बनाता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, मतलब कि आप, मेरा ख्याल है कि इनमें हाइब्रिड बेहतर होगा, लाइट जाए भी तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइब्रिड जो है ना वो उसके अंदर दोनों सोर्स है हमारे पास, वो ऑन ग्रिड भी काम करता है, ऑफ ग्रिड भी करता है, और ये कंपैरेटिवली खाली ऑन ग्रिड से या खाली ऑफ ग्रिड से ये बेहतर होता है। अच्छा, मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर आपने अपने सोलर के साथ बैटरी नहीं लगाई तो जैसे ही लाइट जाएगी तो सोलर भी बंद हो जाएगा। जी, यही मतलब है। और अगर हाइब्रिड होगा तो उसको लाइट जाएगी भी तो बैटरी उसका इन्वर्टर ऑन रखेगी जिससे वो काम करता रहेगा और आप सोलर एनर्जी जो है उसको। आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑफ ग्रिड के अंदर हमारी बैटरियां लगनी लाजमी होती हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रिड होता ही नहीं है, तो ऑफ ग्रिड के अंदर तो ये फीचर आ गया, बैटरियां लगी वो 24 आवर चल रहा है। उसके बाद आ गया ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड में ग्रिड के साथ ग्रिड टाई हो जाता है, उसके साथ बैटरियां अटैच नहीं होती, ग्रिड ऑफ होगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और जो हाइब्रिड है उसमें ये है कि वो बिजली जाएगी तो वो बैटरीज पे काम करने लग जाएगा और वो बिजली प्रोड्यूस करके वापस भी जब ग्रिड ऑन होगा, जब ग्रिड ऑन होगा तो हाइब्रिड जो है ना वो ग्रिड फीडिंग भी स्टार्ट कर देगा, और ग्रिड ऑफ होगा तो इसके साथ चूंकि बैटरियां लगी होती हैं तो विदाउट एनी फ्लक्चुएशन ये बिजली आपको प्रोड्यूस करेगा। अब आपने 180,000 रुपए में, मैं बता रहा हूँ, एसी चला देना है, हम 180,000 में एसी चल रहा है, आपको एसी चला के देंगे और इंशाल्लाह ताला आप जो है ना 180,000 रुपए लगा के एसी का बिल मुफ्त, बिल मुफ्त हो जाएगा डे टाइम, डे टाइम में एसी का बिल सिफर, सिफर हो जाएगा, एसी का बिल सिफर हो जाएगा। लाजिन, हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, उस टाइम हमने किस हिसाब से बात की थी, उन्होंने कहा था 2.5 लाख में 3 kV का सिस्टम लगा दूंगा, ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब 1.5 से 2.25 लाख में 3 kV का सिस्टम लग जाएगा और इसमें आपका एक एसी, एक आध टीवी, पंखा, लाइट चलेगी। और अगर आप मोटर चलाना चाह रहे हैं, फ्रिज चलाना चाह रहे हैं तो उसको ये होता है कि आपने अपने यूनिट को एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, मतलब कि अगर आप मोटर चलाना चाह रहे हैं तो एसी को बंद कर दें और मोटर जब पानी भर ले तो फिर एसी चला दें, तो आप एक बड़ा कफायत शारी के साथ बड़े अच्छे अंदाज में सोलर का फ़ायदा उठा सकते हैं और सारा दिन जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका सिफर बिल होगा। आपको सिर्फ नाइट में वापडा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपके जैसे जितने यूनिट कम होंगे, आपको पता है कि आप 200 की ब्रैकेट पार करते हैं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300 की ब्रैकेट पार करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है, तो अगर डे टाइम आप सोलर पर जाएंगे तो जो शाम में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मज़ीद भी मार्केट विज़िट करते हैं, इन्होंने हाइब्रिड और ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड के बारे में बताया। जो लोग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर उठाएं, क्योंकि बिजली आपके सामने आ नहीं रही और जहाँ पे आ रही है उसके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे इसको लगवा के बिल में फ़ायदा होता है, क्योंकि बिल, ये हम असल में प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि लोग बिल से बहुत ज़्यादा परेशान। डेफिनेटली बिल प्राइस कट डाउन हो जाएगी, जब आप वापस यूज़ नहीं करेंगे तो बिल नहीं आएगा। हाँ, और जितने आपके यूनिट्स कम होंगे, ब्रैकेट कम होगी, टैक्सेस कम लगेंगे। सर, जब आप 200 की बार को टच करती हैं ना तो सिनेरियो चेंज हो जाता है, वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अब जब हम 200 की ब्रैकेट से नीचे रहेंगे और दिन के टाइम हम वापडा यूज़ ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा कट डाउन आता है और आपका जो है ना बिल कंट्रोल में। तो सारा दिन एसी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, हबस बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल ये एक सहूलत मौजूद है और अल्लाह ने सहूलत दिया तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए।